खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल टिड़वा चिलौला लखीमपुर बाईपास सीतापुर। Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy! Because MPPIans love our school. They do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Singhania Educational Institute. Cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे अवगत। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे आजाद समाज पार्टी कांसीराम ने लोकसभा क्षेत्र सीतापुर से घोषित किया प्रत्याशी। सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने नारायण नगर से शुरू किया चुनाव प्रचार। फिर बात करेंगे डीएम एसपी ने ईवीएम स्टोर का किया सघन निरीक्षण, दिए निर्देश। खबरनामे के अंत में बात करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले सपा को लगा झटका। एटा से सांसद रहे देवेंद्र यादव भाजपा में हुए शामिल, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बड़ा सीतापुर का मान, ब्लॉक कसबंडा क्षेत्र के नया गांव की प्रधान हुई सम्मानित। भाजपा प्रत्याशियों ने निकाली अपने अपने क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा, कराया ताकत का एहसास। नगर पंचायत सिदौली की ईओ को नगर पंचायत पैतेपुर का मिला अतिरिक्त प्रभार। मनोज कुमार शर्मा बनाए गए सिदौली के खंड विकास अधिकारी। लखीमपुर बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन चुनावी ड्यूटी में नहीं भेजेंगे अपनी बसें। लोकसभा चुनाव को लेकर सतर्क हुआ लखीमपुर पुलिस महकमा, स्थापित किए गए 23 चेक पोस्ट। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर बनेंगे दो नए आईलैंड प्लेटफॉर्म। नगीना सीट पर सपा द्वारा प्रत्याशी उतारने पर चंद्रशेखर आजाद ने दी तीखी प्रतिक्रिया। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए जाने का सिलसिला जारी है। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से लेखराज लोधी को प्रत्याशी बनाया है। लेखराज लोधी भारतीय लोधी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेखराज लोधी 2014 में धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतर भी चुके हैं। इस बार वह सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी कांसीराम के सिंबल पर मैदान में हैं। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के पुराने योद्धा मौजूदा सांसद राजेश वर्मा ने रविवार को चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने हेमपुरवा नारायण नगर में कहा कि वह भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर इस वार्ड से निकल रहे हैं। सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने विश्वास पूर्वक कहा कि सीतापुर शहर के इस वार्ड का आशीर्वाद जिसे मिल जाता है उसकी जीत तय होती है। इस मौके पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगर पालिका सीतापुर चेयरमैन नेहा अवस्थी, नमींद्र अवस्थी, ललित श्रीवास्तव चंचल सहित मोहल्लेवासी मौजूद। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया भी देखें। यूपी का सीतापुर एक बार फिर गौरवान्वित हुआ है, या गौरव दिलाया है ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के नया गांव की प्रधान जनक कुमारी सिंह ने। प्रधान जनक कुमारी सिंह को सार्थक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पुरस्कृत किया गया है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधान जनक कुमारी सिंह को यह सम्मान राज्य मंत्री विश्वनाथ, कलाकार अन्नू अवस्थी व संस्था के अध्यक्ष अश्वनी जायसवाल ने प्रदान किया। प्रधान जनक कुमारी सिंह को सम्मानित किए जाने पर विनोद कुमार सिंह, दुर्गेश सिंह, अमन सिंह, राजेंद्र सिंह, शिव कुमार सिंह आदि ने हर्ष व्यक्त किया।
लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। अधिकारियों द्वारा वृहद स्तर पर निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को डीएम अनु सिंह ने एसपी चक्रेश मिश्र के साथ ईवीएम स्टोर रूम और पोलिंग पार्टियों के रवाना होने वाले स्थलों का निरीक्षण किया। डीएम एसपी ने आरएमपी डिग्री कॉलेज एवं इंटर कॉलेज परिसर पहुंचकर सघन निरीक्षण किया और संबंधित को आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान उनके साथ सीडीओ निर्बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन व प्रशासन के नोडल अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर की जन आशीर्वाद यात्रा ने रविवार को ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में भ्रमण किया। इस दौरान यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंत्री और जनप्रतिनिधियों का माला पहनाकर और पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। यात्रा में सिधौली विधायक मनीष रावत, कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, करुणा शंकर त्रिपाठी, राकेश पांडे, आशुतोष मिश्रा, दुर्गेश सिंह प्रमुख सिधौली, रामबक्स रावत, नीरज सिंह, शिवम सिंह, ऋषभ सिंह आदि लोग शामिल रहे। परिवहन निगम कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। विभाग ने होली पर्व के मौके पर प्रोत्साहन योजना लागू की है। यह योजना 22 मार्च से 1 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी। एआरएम सीतापुर राकेश कुमार ने बताया कि नियमित और संविदा चालकों परिचालकों के अलावा अन्य कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा। चालकों परिचालकों को प्रोत्साहन अवधि में न्यूनतम 10 दिन में 3000 किलोमीटर पर 3500 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। 11 दिनों में 3300 किलोमीटर दूरी तय करने वालों को 4400 रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया इसी तरह डिपो के कर्मचारियों के लिए भी प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। तहसील सिधौली क्षेत्र के ग्राम मणिपुर स्थित श्री राम गोपाल जूनियर हाई स्कूल में वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि सिधौली विधायक मनीष रावत, विद्यालय प्रबंधक मधुराम पाल धनगर ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में विद्यालय के चेयरमैन एडवोकेट आचार्य यतीन्द्रनाथ धनगर, ज्ञानेश पाल धनगर, प्रधानाचार्य सैल कुमारी, शत्रुहन लाल, मोहम्मद कलीम और दुर्गा शंकर वाजपेयी आदि लोग मौजूद रहे। विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा में शामिल श्रद्धालु रविवार को मड़रुआ पड़राव स्थल पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने चंदन वन, प्रमोद वन, शिव गंगा, वाल्मीकि कूप, अक्षयवट आदि का दर्शन किया। मान्यता है कि मड़रुआ में ऋषि मार्कंडे ने तप किया था। बता दें 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत 11 मार्च को नैमिषारण्य से हुई थी। इस बार परिक्रमार्थियों के लिए पड़ाव स्थल पर टेंट लगाए गए। इसके अलावा जिला पंचायत की तरफ से पेयजल और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। सिंह ऑटोमोबाइल के मालिक रहे शिवप्रकाश सिंह रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। वह अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनका अंतिम संस्कार शहर के गोपाल घाट पर हुआ। मुखाग्नि उनके छोटे बेटे यशवंत सिंह ने दी। 88 वर्षीय शिवप्रकाश सिंह बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे। रविवार सुबह उन्होंने अपने मोहल्ला सुदामापुरी स्थित निज निवास पर अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम यात्रा में डॉक्टर राजीव कपूर, नवीन महावर, डॉक्टर प्रवीण रस्तोगी, शुभम अग्रवाल, सुजीत कपूर कक्कू, विनोद रस्तोगी, रजत बेरी, नवल महावर, दीपक महावर, मुकेश कनौजिया, रोहित कपूर, टीटू गुप्ता, यतीश गुप्ता, पीयूष श्रीवास्तव सहित अन्य लोग शामिल रहे। सेवा भारती द्वारा शहर के शास्त्री नगर तपोधाम आश्रम में प्रमाण पत्र वितरित किए गए। दक्षता प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आश्रम के महंत योगी नरेश नाथ रहे। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अवनेन्द्र विक्रम सिंह ने की। कार्यक्रम में 35 महिलाओं को दक्षता प्रमाण पत्र दिए गए। इस मौके पर आकाश राय, विश्वीर गुप्ता, रिपु दमन सिंह, वेद प्रकाश कश्यप, सरिता जैन, मुस्कान राठौर, ललिता तिवारी, सचिन त्रिपाठी, मनोज श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। नगर बिस्वा के सेठ देवेश्वर दयाल मॉन्टेसरी स्कूल में परीक्षा फल वितरित किए गए। हिंदी मीडियम का परीक्षा फल वितरण करने का साथ ही पुरस्कारों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माता सरस्वती का पूजन अर्चन कर हुआ। मुख्य अतिथि पत्रकार सिराज अहमद रहे। अध्यक्षता विद्यालय प्रबंधक महेशचंद मेहरोत्रा ने की। कार्यक्रम में शैलेंद्र वाजपेयी, डॉक्टर सविता मिश्रा, आनंद कुमार खत्री, विवेक सिन्हा, राम कुमार, कोमल, सावित्री सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। नगर पंचायत सिधौली की अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। रेणुका यादव अब सिधौली के साथ ही नगर पंचायत पैतेपुर का भी कामकाज देखेंगी। अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी मिलने पर नगर पंचायत सिधौली अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, अनुराग मिश्रा, शालिनी भदौरिया, सभासद दिग्विजय शुक्ला, रेणु देवी, गीता भार्गव ने उन्हें बधाई दी है। कस्बा कुतुबनगर में शिव मंदिर पर भजन कीर्तन हुए। वृंदावन से आए कलाकारों ने मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की। भगवान शिव पार्वती वृंदावन की होली का मंचन सराहा गया। कार्यक्रम में महंत नारायण दास, बजरंग मुनि, दामोदर दास, संजय पुरी, प्रधान गीता गुप्ता, प्रदीप श्रीवास्तव, अनिल वर्मा, श्रवण कुमार, मुकेश गुप्ता, रजनीश श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। खंड विकास अधिकारी सिधौली के रिक्त पद पर मनोज कुमार शर्मा को तैनाती दी गई है। यह जानकारी डीडीओ हरिचंद प्रजापति ने दी। उन्होंने बताया मनोज कुमार शर्मा संयुक्त खंड विकास अधिकारी संबंध उपायुक्त श्रम रोजगार कार्यालय सीतापुर में सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने यह भी बताया इसके अलावा कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा विकासखंड सिधौली के दायित्वों का निर्वहन बीडीओ मचेटा द्वारा किया जाएगा। जिसके अलावा अरुण कुमार वर्मा को मिश्रा को तत्काल प्रभाव से विकासखंड लहरपुर से संबंध किया गया।
श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा श्याम बाबा का फागुन उत्सव भव्य रूप से मनाया गया। फागुन उत्सव की शुरुआत अग्रसेन अतिथि भवन में भजन गायक नीरज गौड़ व अनुराग रोशन ने की। श्याम भक्तों ने भजनों का आनंद लिया। श्री श्याम मित्र मंडल के पदाधिकारियों ने पुष्प वर्षा की और एक भव्य निशान यात्रा निकाली। यह यात्रा अग्रसेन अतिथि भवन से होकर लालबाग घंटाघर होते हुए खाटू श्याम मंदिर पहुंची। यात्रा में भक्तों ने उल्लासपूर्वक भाग लिया। नगर पालिका परिषद मिश्रिक में सीआरपीएफ और पुलिस बल ने पैदल मार्च कर सुरक्षा का एहसास कराया। सुरक्षा बलों ने चुनाव में शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग की अपील की। सुरक्षा बल ने तहसील चौराहा, नहर चौराहा, परसौली चौराहा, ग्राम पंचायत 8, इस्लाम नगर, भगवानपुर, ठौली 8, शहादत नगर में भ्रमण किया। सीओ राजेश कुमार यादव ने बताया कि मतदाता निर्भीक होकर मतदान करें, सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। इस मौके पर SI नयन सिंह, कस्बा इंचार्ज अशोक कुमार सिंह आदि लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ब्लॉक पिसावा इकाई की बैठक कार्यालय पर हुई। बैठक में ब्लॉक मोहली पिसावा के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में जिला अध्यक्ष संजीव रावत ने महासंघ की रीति और नीति की जानकारी दी। इस मौके पर छत्रपाल यादव, महेंद्र कुमार, अरुण कुमार, राजन, शिव कुमार, आनंद रामनाथ मौजूद रहे। साहित्यिक संस्था तुलसी परिवार और अलोक सेवा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में एक काव्य गोष्ठी संपन्न हुई। गोष्ठी में कवियों ने अलग अलग विधाओं पर काव्य पाठ किया। राजकीय इंटर कॉलेज रिहार में गोष्ठी की अध्यक्षता लोक गीतकार कुंवर अलोक सीतापुरी ने की। कवि विजय पांडे, शिवान सिंह, अपूर्व त्रिवेदी, रामकिशोर श्रीवास्तव, अंबिका तिवारी, अंबुज कवित्री, गरिमा तिवारी, विजय पांडे, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, महेंद्र द्विवेदी आदि ने काव्य पाठ किया। गोष्ठी में प्रधान रामपाल, जितेंद्र सिंह, ब्रजेश सिंह आचार्य, अरुण सिंह मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद हर गांव विधानसभा क्षेत्र में लगी होल्डिंग्स हटवाई गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ होल्डिंग्स उतरवाई। इस मौके पर तहसीलदार बालकृष्ण सिंह, नायब तहसीलदार वसुंधरा त्रिपाठी, कानूनगो सुशील त्रिपाठी, लेखपाल विवेक पांडे, SO अरविंद पांडे व नगर पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक संघ कार्यालय प्रेमनगर में हुई। बैठक में विहिप अवध प्रांत के सहमंत्री प्रवीण ने आगामी जिला योजना और राम उत्सव कार्यक्रम पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण वर्ग संगठन विस्तार पर बात की। बैठक में प्रांत से धर्म प्रसार प्रमुख विपुल सिंह, उत्तम सिंह, प्रज्ञा सिंह, जिलाध्यक्ष नवीन अग्रवाल, किरण शर्मा, अभिनव मिश्रा, संजय श्रीवास्तव, त्रिपुरेश कमलेश, अनुज भदौरिया आदि लोग मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद लहरपुर के मोहल्ला अंबरसराय स्थित महावीर हनुमान मंदिर प्रांगण में कलाकारों ने सजीव मंचन किया। मंदिर परिसर में रुद्र महायज्ञ एवं श्रीराम कथा का कार्यक्रम जारी है। श्याम रासलीला मंडल वृंदावन धाम के कलाकारों ने श्रीकृष्ण जन्म, पूतनावध, माखन चोरी का मंचन कर मनमोहा कथा व्यास गिरिजेश शुक्ला ने श्रीराम जन्म की कथा सुनाकर भाव विभोर कर दिया। लहरपुर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में पर्यावरण प्रदूषण और पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम अधिकारी विजय कुमार निगम ने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। शिक्षक अंकित कुमार ने प्रदूषण से होने वाली हानियों को विस्तार से बताया। इस मौके पर विद्यालय परिसर में जामुन, अशोक, आंवला आदि के पौधे रोपे गए। कार्यक्रम में रमेश चंद्र मिश्रा, विनोद शुक्ला, नीता सिंह, सैल सिंह, शिव कुमार मिश्रा, नमिता रस्तोगी, क्षमा अवस्थी, अवधेश कुमार अवस्थी मौजूद रहे। थाना कोतवाली तालगांव क्षेत्र में भी होल्डिंग्स हटाने की कार्रवाई की गई। कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर ने नेतृत्व में राजनैतिक होल्डिंग्स को हटवाया। पुलिस बल ने गलियों में भी होल्डिंग्स हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान उप निरीक्षक राजेश निषाद, मनोज गुप्ता, सौरभ कुशवाहा, अनुज त्रिपाठी, अमित यादव, राहुल शर्मा मौजूद रहे। नैमिषारण्य क्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा में शामिल एक और श्रद्धालु की सांसें थम गई। बिहार राज्य के सीतामढ़ी निवासी 78 वर्षीय सुरेश ने देवगवा पड़ाव स्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर एक विद्यालय में अंतिम सांस ली। बताया जाता है कि रात्रि विश्राम के बाद जब उनके साथियों ने सुबह उन्हें जगाने का प्रयास किया तो वह चिर निद्रा में सोते हुए पाए गए। इसकी जानकारी 112 नंबर डायल पर दी गई। चौकी प्रभारी शिव बहादुर सिंह ने सुरेश को CSC मिश्रिक पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रत्याशियों ने जनसंपर्क तेज कर दिया। मोहनलालगंज से मौजूदा सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। यात्रा में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के साथ कौशल किशोर ने इटौंजा टोल प्लाजा से चलते हुए अटरिया, नीलगांव, कुंवरगड्डी, रामपुर कला सहित कई गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान यात्रा का कई जगह पर स्वागत भी किया गया। यात्रा का समापन सिधौली के एक लॉन में पहुंचकर हुआ। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, MLC पवन सिंह चौहान, सिधौली विधायक मनीष रावत, चेयरमैन सिधौली गंगाराम राजपूत, ब्लॉक प्रमुख रामबक्स रावत, कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, सिधौली भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे सहित तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। एट सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वी आर नॉट जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर,
we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सामाजिक संस्था शिव शक्ति सनातन सेवा समिति ने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया। नगर के खेमकरण इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतियोगिता में तहसील लहरपुर क्षेत्र के कई विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के विजयी 40 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में रिया सिंह, रजिया बानो, अनवेश सिंह, नव्या गुप्ता, समर सिंह तोमर, साकेत मिश्रा, सौर प्रताप सिंह, ज्योति देवी, रामजी वर्मा, अमन बाबू टॉप 10 में शामिल रहे। इस मौके पर संस्था के मुख्य संरक्षक दिलीप शुक्ला, वीरेंद्र पुरी, राजेश्वर दयाल रस्तोगी, हरीश रस्तोगी, गोलू, पंकज शुक्ला, आशीष शुक्ला, सभासद मनीष शुक्ला, मनोज गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी योजन सभा के जिलाध्यक्ष संदीप कश्यप ने कस्बा कमलापुर निवासी संजय गुप्ता को जिला सचिव मनोनीत किया है। संजय गुप्ता के मनोनयन पर आयुष तिवारी, आजाद टेलर, समीर मंसूरी, अनिल यादव, मोहित कुमार, आशीष सिंह, आशुतोष तिवारी ने हर्ष व्यक्त किया। भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ की एक बैठक शहर के सरोजनी वाटिका में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला संयोजक संजय अवस्थी ने की। बैठक में अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने का संकल्प लिया गया। जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने दिव्यांग प्रकोष्ठ को सहयोग का भरोसा दिलाया। बैठक में जिला सह संयोजक प्रवीण सिन्हा, वंदना श्रीवास्तव, अतुल दीक्षित आदि लोग मौजूद रहे। मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र में मौजूदा सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार रावत ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। यात्रा का शुभारंभ भिठौरा मंडल अध्यक्ष केपी सिंह के यहां से हुआ। यात्रा में मिश्रिख विधायक रामकृष्ण भार्गव, ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी, रामचंद्र त्रिपाठी, महेश प्रसाद गौतम, आलोक वाजपेयी, अंजनी शुक्ला, राहुल सिंह, गप्पू सिंह, चंदन सिंह सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। जन आशीर्वाद यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। आचार संहिता लागू होने के बाद होल्डिंग्स बैनरों का हटवाया जाना जारी है। ब्लॉक रेवसा क्षेत्र में थाना अध्यक्ष घनश्याम राम, बीडीओ विवेक मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में होल्डिंग्स हटवाई गई। बीडीओ ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर होल्डिंग्स हटवाने का काम किया जा रहा है। मुख्य चौराहों पर लगे बोर्ड प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायकों के फोटो ढके जा रहे हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी मुकेश त्रिवेदी, जगदेव प्रसाद, महेंद्र रावत और आदि होल्डिंग्स हटवाने के समय मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में रविवार को विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों ने प्रशिक्षण के लिए एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत डायट प्राचार्य प्रदभूषण चौधरी ने माँ सरस्वती के चित्र के सामने पुष्पार्चन व दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान डायट प्राचार्य ने कहा कि SMC के सहयोग से ही विद्यालय की आधारभूत संरचना तथा शिक्षा की गुणवत्ता को समृद्ध किया जा सकता है। जिला समन्वयक एवं प्रशिक्षण प्रभारी पुष्पेंद्र श्रीवास्तव ने प्रशिक्षुओं को MMC के गठन उद्देश्य, प्री स्कूल शिक्षा, मध्याह्न भोजन में सहयोग व निपुण भारत की जानकारी दी। प्रशिक्षण का आयोजन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखीमपुर खीरी द्वारा कराया गया था। प्रशिक्षक आदित्य गुप्ता ने MMC को प्रभावी बनाने की जानकारी दी। लखीमपुर में 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में रंग में भंग पड़ सकता है। जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन खीरी के अध्यक्ष मनीष सिंह राणा ने आगामी चुनावों के दौरान ड्यूटी में भेजे जाने वाली बसें भेजने में असमर्थता जताते हुए बड़ा आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को दिए गए ज्ञापन में उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में चुनाव ड्यूटी में लगी बसों का करोड़ों रुपये बकाया पड़ा है। भुगतान न होने की दशा में 2024 के लोकसभा चुनाव में बसें भेजना संभव नहीं होगा। आपको बता दें, मनीष सिंह इससे पहले भी ARTO व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से लेकर CM तक को ज्ञापन दे चुके हैं। रविवार को खीरी के प्रतिष्ठित समाजसेवी संस्थान विनोदनी प्रेरणा केंद्र के 20वें स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था की संचालिका व योग एक्सपर्ट डॉक्टर सालू गुप्ता ने विस्तार से संस्थान के उद्देश्य एवं योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्रेरणादायी नाटक ओम द सीक्रेट सिंबल का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर सामाजिक संस्था नवदिशा, JCI संकल्प, अग्रवाल महिला क्लब समेत शर्मिला, ममता जलोटा, मीरा नुपुर, अंजुल माया, राजेश्वरी, अनीता आदि तमाम महिलाएं शामिल रहीं। बेसिक शिक्षा विभाग लखीमपुर खीरी द्वारा हमारा आंगन हमारे बच्चे जन जागृति उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरु नानक इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में निपुण लक्ष्य हासिल करने वाले छात्र एवं उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। BSA प्रवीण कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण बच्चों के प्री प्राइमरी शिक्षा दिलाने के लिए उनके अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा घोषित 67 निपुण विद्यालय पुरस्कृत किए गए। कार्यक्रम में क्षेत्र के BEO हृदय शंकर लाल श्रीवास्तव, शत्रुघ्न सरोज, देवेश राय, भगवान राव, फूलचंद्र, आशीष पांडे, अखिलानंद, राकेश कुमार, डाइट प्रवक्ता अतुल मिश्रा समेत तमाम लोग शामिल रहे।
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था व अवांछित गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए लखीमपुर खीरी पुलिस पूरी तरीके से सतर्क हो गई है। एसपी खीरी गणेश प्रसाद साह के निर्देश पर पुलिस व पैरामिलिट्री की संयुक्त टीमें लगातार चेकिंग व फ्लैग मार्च करने के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों को मतदान के लिए जागरूक भी कर रही हैं। इसी के तहत रविवार को टीमें ने बनगवा, कजरिया, सरियापारा, नजोटा, रतननगर, दीपनगर व गंगानगर में भ्रमण किया। भारत नेपाल सीमा से सटे 120 किलोमीटर के क्षेत्र में लखीमपुर के चार थाने गौरीफंटा, चंदन चौकी, तिकुनिया व संपूर्णा नगर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के चलते एसपी खीरी द्वारा सुरक्षा के लिए कवच सेल का भी गठन किया गया है। इसके तहत कुल 23 बैरियर व चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। नव साक्षरता मिशन के अंतर्गत आयोजित 5 परीक्षा केंद्रों पर 86 परीक्षार्थियों की परीक्षा दी। ईसानगर ब्लॉक में नव साक्षरता मिशन के अंतर्गत कराई गई परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। खंड शिक्षा अधिकारी अखिलानंद राय ने बताया कि कंपोजिट स्कूल नारीबेहड़, जेठरा, डेबर, मूड़ी, मितौली में परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न कराई गई। लोकसभा चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए खीरी पुलिस शातिर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत एसपी खीरी गणेश प्रसाद साहा के निर्देश पर थाना ईसानगर पुलिस ने नफीस पुत्र आबिद अली निवासी त्रिकोलिया को तमंचे के साथ व बब्बू पुत्र बाबर को 900 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि नफीस के खिलाफ आर्म्स एक्ट तथा बब्बू के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों को विधिक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया। धरपकड़ टीम में SI सुनील कुमार तिवारी, अबलीश कुमार समेत थाने के पुलिसकर्मी शामिल रहे। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद लखीमपुर के निगासन में प्रशासनिक अमले द्वारा राजनीतिक होल्डिंग्स व पोस्टर हटवा दिए गए हैं। आचार संहिता लागू होते ही SDM अश्विनी कुमार सिंह के नेतृत्व में तहसील भीमचंद्र, नायब तहसीलदार दिव्यांशी साई, EO दिनेश शुक्ला व कोतवाल समेत तमाम प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया, जिसके बाद नगर पालिका की JCB द्वारा इलाके में लगी सभी राजनीतिक बैनर पोस्टर हटवा दिए गए। तापमान में बढ़ती गर्मी व क्षेत्र में अग्निकांडों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए फायर सर्विस टीम गोला द्वारा इलाके के कई गांवों में ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को अग्नि से बचाव व नियंत्रण के उपाय बताया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी खीरी के निर्देश पर टीम ने इलाके के गाँव नया गाँव, बाबूपुर, लेनपुर, इमलिया आदि में संपर्क किया। स्कीम नंबर 17 के तहत खेत खलियानों की आग, घरों में LPG सिलेंडर की आग व विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग से बचाव के उपाय बताए गए। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होते ही DM खीरी महेंद्र बहादुर सिंह व SP गणेश प्रसाद साह सड़क पर उतर आए। उनके नेतृत्व में CDO अनिल कुमार सिंह, ADM संजय कुमार सिंह समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर के नौरंगाबाद, सौजन्या चौक, राजापुर, LRP चौराहा, छाऊ चौराहा समेत प्रमुख स्थानों पर लगे राजनीतिक होल्डिंग्स व बैनर उतरवा दिए। इस दौरान SDM सदर सिद्धार्थ सिंह, CO सिटी, EO व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर उपस्थित रहे। अब खबरें प्रदेश से। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक और झटका लगा है। सपा के बड़े नेताओं में शुमार देवेंद्र यादव रविवार को भाजपा में शामिल हो गए। देवेंद्र यादव एटा लोकसभा क्षेत्र से कई बार सांसद रहे हैं। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि देवेंद्र यादव के आने से भाजपा और मजबूत होगी। भाजपा नेता राजवीर सिंह का देवेंद्र यादव को पार्टी ज्वाइन कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। पूर्व मंत्री एवं यूपी के कद्दावर नेताओं में शुमार स्वामी प्रसाद मौर्य ने भले ही राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाने का ऐलान किया हो, लेकिन साइकिल से उतरने के बाद वह कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। खबर है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सिंबल पर स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर विधानसभा से मैदान में उतर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो गठबंधन का समीकरण भी बिगड़ सकता है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सपा का साथ पाकर नगीना से चुनाव लड़ने का मंसूबा पाले चंद्रशेखर आजाद रावण का सपना फिलहाल पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। सपा ने नगीना से पूर्व अपर जिला जज मनोज कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में अब चंद्रशेखर आजाद के नगीना सीट से चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर विराम लग गया। सपा के इस फैसले पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने X पर लिखा है कि जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं, जिन्हें उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर उगते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने X पर पोस्ट कर कहा है कि अगर यह चुनाव 7 के बजाय 3 से 4 चरणों में होते तो देश का समय और पैसा बचता। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोका जाए ताकि चुनाव निष्पक्ष हो।
लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन बरेली सीट पर ताल ठोकने वालों की तस्वीर साफ नहीं हुई है। भाजपा और बसपा ने अभी तक अपने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। सिर्फ सपा कांग्रेस गठबंधन ने पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में तमाम तरह की चर्चाएं भी जारी हैं। बताया जाता है कि 1984 से लगातार पार्टी के प्रत्याशी रहे वर्तमान सांसद संतोष गंगवार की अधिक उम्र होने की वजह से उनकी जगह कोई दूसरा प्रत्याशी उतारा जा सकता है। हालांकि संतोष गंगवार इस सीट से अब तक 8 बार जीत हासिल कर चुके हैं। मथुरा होली पर्व की धूम समूचे ब्रज मंडल में है। मथुरा में पूर्वांचल होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक होली में फूलों की होली आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि यह बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल होली मिलन समारोह कार्यक्रम में वह पहली बार शामिल हुई हैं। हेमा मालिनी के पहुँचने से लोगों में अलग की खुशी दिखी। सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि क्षेत्र में जो काम अधूरे रह गए हैं उन्हें अवश्य पूरा किया जाएगा। मथुरा ब्रज मंडल की होली यूं ही नहीं विश्व प्रसिद्ध है। मथुरा क्षेत्र में होली का उल्लास 15 दिन पहले से ही देखने को लगता है। आइए जान लेते हैं कि मथुरा में किस दिन कौन सी होली खेली जानी है। रविवार को बरसाने की लड्डू होली के साथ शुरुआत हुई, जबकि 18 मार्च को बरसाना में ही लठमार होली खेली जाएगी। 19 को नंदगांव में लठमार और रंग लठमार गांव रावल में खेली जानी है। इसी तरह 21 मार्च को बांके बिहारी मंदिर गोकुल और 24 को मथुरा में चतुर्वेदी समाज का डोला कार्यक्रम होगा। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनावों में प्रत्याशियों को लेकर मची अफवाहों पर विराम लगाते हुए ऐलान किया है कि एक्स और फेसबुक पर समाजवादी पार्टी के हैंडल से डाली गई सूची ही अधिकृत होगी। इसके अलावा अगर कहीं किसी सूची को वायरल किया जा रहा है तो वह फर्जी है। राजधानी लखनऊ स्थित चारबाग रेलवे स्टेशन पर बने प्लेटफार्मों की संख्या में इजाफा होने जा रहा है। 2 नए आईलैंड प्लेटफार्म बनने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। चारबाग रेलवे स्टेशन पर अब अपग्रेडेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। निर्माणाधीन प्लेटफार्म 6 से 8 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत भी मिलेगी। यह था आज का खबरनामा, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर स्प्राइट पब्लिक स्कूल, टेडवा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।